अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लेक्चर तो ड्यू टू लॉकडाउन हम अभी इसे इस वक्त फिजिकली क्लासेस कंडक्ट नहीं कर सकते, तो हम अभी जो अपना फिजिक्स स्टडी आगे फर्दर करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों का इसी तरीके से ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू होगा। हम इसको अभी तक जो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं दैट वाज ओनली अबाउट द बेसिक्स के हम इससे पहले फिजिक्स में क्या क्या हमारी मेन चीजें थी जिन्हें हमने स्टडी किया था। आज हमारा फर्स्ट ईयर का पहला बेसिक टॉपिक है डायमेंशन। तो अब आप इसे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट समझें या जैसा भी समझें, ये वाला जो टॉपिक है हम इसको जिस लिहाज से पढ़ा रहे हैं ये बहुत काफी ओल्ड मेथड है, काफी पुराना मेथड है, बट एनीवेज जितना आपके सिलेबस में शामिल होगा हम उसे तो लाजमी कवर करेंगे। तो पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन बता देता हूं। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर ऑफ अ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एल एम एंड टी। किसी भी क्वांटिटी की फिजिकल नेचर को अगर आप तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में शो करें, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम, ये तीन हमारी मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। हम किसी भी क्वांटिटी को इस तरह से शो करें कि वो लेंथ, मास और टाइम की रिप्रेजेंटेशन में आ जाए, तो अब ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी इस रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है इट इज द डायमेंशंस ऑफ अ क्वांटिटी। एल स्टैंड फॉर लेंथ। हर वो क्वांटिटी जिसका यूनिट मीटर है वो बाय नेचर लेंथ है, और लेंथ को आप डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे एल से। फॉर एग्जांपल लेंथ एल, बी विड्थ चौड़ाई, हाइट एच ऊंचाई, डिस्टेंस फासला एस, डिस्प्लेसमेंट डी, ये सारी वो क्वांटिटीज हैं, इनके नाम और इनके सिंबल चेंज है लेकिन अगर आप इनका यूनिट देखेंगे इन तमाम का यूनिट मीटर है, इसलिए हम कहते हैं बाय नेचर ये सारे के सारे लेंथ हैं, और बाय नेचर इन सब का लेंथ होने की वजह से हम इनको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके लिए हम डायमेंशन यूज करेंगे एल। दूसरा है मास, एम, एम स्टैंड फॉर मास, मास को एम से शो किया जाए, एम वन से शो किया जाए, एम टू से शो किया जाए, एम थ्री से शो किया जाए, किसी अगर ये मास है इसका यूनिट किलोग्राम है, अगर ये मास है इसका यूनिट किलोग्राम है तो हम इसके लिए डायमेंशन एम यूज करेंगे। एंड इन द लास्ट टी, टी स्टैंड फॉर टाइम, वो क्वांटिटी जिसका यूनिट सेकंड है, आप टी से शो करें, डेल्टा टी से शो करें या कैपिटल टी। अब कैपिटल टी में भी कौन सा कैपिटल टी, वो कैपिटल टी जो टाइम पीरियड को शो कर रहा हो, इसका एक टेंशन भी होता है, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स नॉट टाइम, तो टेंशन का डायमेंशन टी नहीं होगा, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी होगा। तो आप टाइम को टी से, डेल्टा टी से या कैपिटल टी से शो करें, दिस ऑल रिप्रेजेंट टाइम। तो जहां हमें इसका डायमेंशन यूज करना होगा हम इसका डायमेंशन टी यूज करेंगे। ये तो हो गया तीन बेसिक, इनसे हटकर अगर ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है लेकिन आप लोगों ने जहन में रखना है कि अगर कहीं करंट का डायमेंशन इस्तेमाल करना पड़ गया तो नॉर्मली करंट के लिए डायमेंशन ए यूज किया जाता है। इनफैक्ट ये बात बताने की वजह, आपका फर्स्ट ईयर का पेपर होगा, फर्स्ट ईयर के पेपर में जो भी क्वांटिटीज दी जाती हैं वो तमाम की तमाम वो होती हैं जो एलिमेंट और टी से शो हो जाती हैं। सेकेंड ईयर में डायमेंशन का टॉपिक ही नहीं है, बट इन केस आप एंट्री टेस्ट में जाते हैं, एंट्री टेस्ट देते वक्त आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों चीजें शामिल हैं।
अब सेकेंड ईयर में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें करंट का इस्तेमाल होता है, चार्ज का इस्तेमाल होता है, एंड इवन मोर इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर का इस्तेमाल होता है। तो टेम्परेचर के लिए डायमेंशन के, यानी जो इसका यूनिट है वो इसका डायमेंशन के तौर पर सिंबल यूज की जाती है। इसके अलावा भी और डायमेंशन यूज होते हैं, बट हमें इस वक्त उनकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये दो सिर्फ आपने जहन में रखना है, इनका कॉमनली ज्यादा इस्तेमाल होता है, स्पेशली जब आप सेकेंड ईयर के बाद एंट्री टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहां कोई भी क्वांटिटी पूछी जा सकती है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। तो आपने ये डायमेंशन यूज करने हैं, इसको नोट कर लीजिए अपने पास अच्छी तरह से, एंड देन हम इसके जरा कुछ एक एग्जाम्पल्स बनाते हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज बनाते हैं जिससे पता चलेगा कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। We come about finding the dimensions of different quantities. अगर आपको कहा जाए कि जी इस क्वांटिटी का डायमेंशन बनाकर बताएं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक क्वांटिटी है एरिया, एरिया के बहुत सारे फिजिकल फार्मूले हैं, मैं उनमें से एक बेसिक फार्मूला सेलेक्ट करता हूँ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ लंबाई ज़रब चौड़ाई, रेक्टेंगल के लिए यूज किया जाता है। तो अब एरिया का अगर मुझे डायमेंशन बनाना है तो डायमेंशन बनाते वक्त क्या होगा, एरिया का जब मैं डायमेंशन बनाऊंगा तो एल लेंथ इसका डायमेंशन है एल, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी विथ चौड़ाई है, बजाहिर ये एक अलहदा क्वांटिटी है लेकिन बाय नेचर ये भी एक लेंथ है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया का डायमेंशन बन जाएगा एल स्क्वायर, एरिया का डायमेंशन बनेगा एल स्क्वायर। एरिया से हटकर अगर बात की जाए वॉल्यूम, द स्पेस कवर्ड बाय अ बॉडी, ये प्लेन कवर्ड बाय अ बॉडी, ये स्पेस कवर्ड बाय अ बॉडी। वॉल्यूम का बेसिक फार्मूला है वी इक्वल्स लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई हाइट, और अब जब मैं इसका डायमेंशन बनाऊंगा एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल, और इसका डायमेंशन बनेगा, वॉल्यूम का डायमेंशन होगा एल क्यूब, वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया एल क्यूब। इससे हटकर अगर मैं कोई और डायमेंशन बनाना चाहूं, स्पीड या वेलोसिटी का अगर मैं डायमेंशन बनाना चाहूं, तो स्पीड या वेलोसिटी के लिए फार्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब इसका डायमेंशन बनेगा v इज इक्वल टू डिस्टेंस, इट्स अ टाइप ऑफ लेंथ, इसका डायमेंशन होगा l, टाइम का डायमेंशन हो जाएगा t। तो वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशन बनता है l अपॉन t, या अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो t ऊपर जाएगा, नीचे t की पावर प्लस वन है, ऊपर जाकर इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी। तो वेलोसिटी या स्पीड का जो डायमेंशन यूज होगा एल टी इनवर्स, और ऐसी तमाम क्वांटिटीज जो बाय नेचर स्पीड या वेलोसिटी ही हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड हो या वेरिएबल स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो। अब नाम में वेरिएशन आ रहा है, सिंबल में तो खैर कोई ऐसा वेरिएशन नहीं आता सिवाय इसके कि आप एवरेज स्पीड को वी एवी से शो करते हैं। अब ये तमाम के तमाम क्या है, टाइप्स ऑफ स्पीड हैं। अब इन तमाम के लिए भी डायमेंशन, यूनिफॉर्म स्पीड हो वेरिएबल स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो, इन तमाम के लिए आप डायमेंशन यूज करेंगे एल टी पावर माइनस वन। स्पीड के अलावा इसको नोट कर लीजिएगा, एक और डायमेंशन बनाते हैं। Thank you.
अगली दो क्वांटिटीज हैं एक्सेलरेशन और फोर्स. मुझे एक्सेलरेशन का डायमेंशन बनाना है. एक्सेलरेशन का अपना बेसिक फार्मूला है डेल्टा वी अपॉन टी. अब इसमें डेल्टा जस्ट रिप्रेजेंट चेंज, इसका अपना कोई डायमेंशन नहीं है. ये जस्ट एक क्वांटिटी की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इसमें चेंज आ रहा है. उससे हटकर बात करते हैं वी. वी स्टैंड फॉर स्पीड और स्पीड का अपना डायमेंशन होता है वी एल टी पावर माइनस वन. अपॉन में आते हैं टी टाइम. अब अगर ये टाइम को शो कर रहा है तो टाइम का डायमेंशन होता है टी. अब इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए ए इज इक्वल टू एल टी. ऊपर इस टी की पावर पहले थी पावर माइनस वन, नीचे टी की पावर प्लस वन है, ऊपर जाकर ये भी पावर माइनस वन. तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन बन जाएगा ए इज इक्वल टू एल टी पावर माइनस टू. एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया एल टी पावर माइनस टू. एक्सेलरेशन चाहे कोई भी हो, एक्सेलरेशन की टाइप्स आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छी तरह, जानते होंगे. अगर नहीं जानते, वैसे जो स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ चुके हैं उन सबको बता चुका हूं, लेकिन फिर रिवाइज कर देता हूं. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की तमाम टाइप्स हैं. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अगर विजिबल नहीं है तो मैं इसको प्रॉपरली पढ़ देता हूं. पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन and gravitational acceleration. These all are the types of acceleration. इन तमाम का यूनिट, इन सब की चूंकि ये नेचर सेम है तो इन तमाम का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चाहे कोई भी टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इन तमाम में से किसी का भी आपने डायमेंशन यूज करना है, आप डायमेंशन यूज करेंगे एल टी पावर माइनस टू. आप एक्सेलरेशन का डायमेंशन यूज करेंगे एल टी पावर माइनस टू. नोट कर लिया इसे, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लें. उसके बाद अगला जो नेक्स्ट, अब जो हमें डायमेंशन बनाना है दैट्स ऑफ फोर्स. फोर्स का अपना बेसिक, जो सबसे पहली, बेटा आप लोगों को मैट्रिक में जो पहली फोर्स पढ़ाई जाती है, जो कॉन्सेप्ट जहां से फोर्स का डेफिनेशन के बाद फोर्स, बहुत सारी फोर्सेस पढ़ाई जाती हैं, उनमें जो पहली आपको पढ़ाई जाती है न्यूटन्स लॉज में पढ़ाई जाती है. एंड इन ऑल द केसेस, पहले और दूसरे दोनों लॉज में जिस फोर्स का जिक्र है, अगर आप लोगों को याद हो अच्छी तरह इट्स गुड, अगर नहीं याद तो आज बता देता हूं. न्यूटन फर्स्ट लॉ में, न्यूटन सेकंड लॉ में आप जिस फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे वो अनबैलेंस फोर्स थी. आप उसको हर फोर्स के तनाजुर में नहीं देख सकते. न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, दोनों में एक ही फोर्स के ऊपर बहस है.
दैट इज अबाउट अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए. अब इसका अगर हम डायमेंशन बनाएं तो फोर्स का डायमेंशन बनेगा एम स्टैंड फॉर मास. मास का डायमेंशन हो जाएगा एम. देन उसके बाद क्या आता है ए एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा एल टी पावर माइनस टू. तो ओवरऑल फोर्स का डायमेंशन बना एम एल टी पावर माइनस टू. यहां एक बात की और वजाहत करता चलूं, डायमेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर. आपने इसे एल टी पावर माइनस टू इंटू एम लिख दिया, देन इट्स ओके. आपने एम एल एम टी पावर माइनस टू लिख दिया, इट्स ऑल ओके. आप इसको कहां लिखते हैं, किस ऑर्डर में लिखते हैं, इट नेवर मैटर. जिसकी पावर सही होनी चाहिए. बट स्टिल एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा कि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड अरेंजमेंट होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है. यानी एल अगर आ रहा है तो पहले, एम आ रहा है तो बाद में, टी उसके बाद आखिर में. एंड इन केस अगर इनमें से कोई वैल्यू मिसिंग है देन इट्स ओके, कोई मसला नहीं है. बट हाँ, यूं कहा जा सकता है कि अगर कोई ऐसी क्वांटिटी जिसमें तीनों सिंबल्स एक साथ ना आ रहे हों, तीनों अलामतें एक साथ ना आ रही हों, जैसे एक्सेलरेशन का डायमेंशन है एल टी पावर माइनस टू, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं एल एम पावर जीरो इंटू टी पावर माइनस टू. यानी अगर आप इनको लिखेंगे, अरेंज करके लिखेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा, जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के एतबार से एल पहले आएगा, एम बाद में, टी सबसे आखिर में आएगा. और अगर कोई एक डायमेंशन बीच में ना आ रहा हो तो उसके लिए आप पावर जीरो यूज कर सकते हैं. सो दैट वॉज बेसिक अबाउट डायमेंशन. के डायमेंशन क्या है, किसी भी क्वांटिटी की ऐसी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज का इस्तेमाल हो, एल एम और टी. फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने जो डायमेंशन बनाए, पांच क्वांटिटीज के हम डायमेंशन बना चुके हैं, जरा उन पर दोबारा देख लेते हैं, कंसंट्रेट कर लेते हैं. अब तक हमने किस किस क्वांटिटी के डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला बनाया, अब तक हमने किस किस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बनाया है, तो उनमें से पहला था एरिया. एरिया का डायमेंशन बना एल स्क्वायर. दूसरा था वॉल्यूम. वॉल्यूम का डायमेंशन बना एल क्यूब. उसके बाद तीसरा था स्पीड या वेलोसिटी. इसका डायमेंशन था एल टी पावर माइनस वन. उसके बाद था एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का डायमेंशन था एल टी पावर माइनस टू. एंड देन आखिर में आया फोर्स. फोर्स का डायमेंशन है एल एम टी पावर माइनस टू. फोर्स के हवाले से एक बात और बता दूं, फोर्स की आपने जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं, अगर आप लोगों को याद हो इट्स गुड, नहीं याद तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं. जो पहली टाइप आपको पढ़ाई जाती है अनबैलेंस फोर्स, उसके बाद दूसरी आप कह सकते हैं कि अनबैलेंस फोर्स के बाद दूसरी फोर्स वेट. वेट के बाद तीसरी जो फोर्स पढ़ाई जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद नेक्स्ट आती है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा आप इससे मिलती जुलती एक और फोर्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा आप और जो फोर्स पढ़ते हैं वो है टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, सरफेस या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. ये सारी टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं. मैं इन तमाम फोर्सेस के फार्मूले साथ लिख देता हूं. अनबैलेंस फोर्स का फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए. वेट फोर्स का फार्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर.
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तीन फोर्सेस के मैं फार्मूले नहीं लिख रहा, सिर्फ सिंबल बता रहा हूं। टेंशन फोर्स आप शो करेंगे T से, फ्रिक्शन फोर्स शो की जाती है स्मॉल F से, और नॉर्मल रिएक्शन को आप शो करते हैं R से। मैंने ये तीन फोर्सेस लिखी, इनके फार्मूले नहीं लिखे, इनके फार्मूले की आपने वजह तलाश करनी, मैं इनके फार्मूले क्यों नहीं लिख रहा, कुछ स्पेशलिटी है इनमें वो सोच लीजिएगा। और अगर पहला लेक्चर मेरा पढ़ा हुआ, पहला लेक्चर अटेंड किया था शुरू वाला, तो उसमें मैं पहले बता चुका हूं, याद रहना चाहिए आपको। इन तमाम का अगर मैं यूनिट लिखना चाहूं, ये तमाम की तमाम टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, अगर मैं इन तमाम का यूनिट लिखना चाहूं तो यूनिट होगा न्यूटन, एन से शो किया जाता है। और अगर मैं इनमें से किसी का भी डायमेंशन लिखना चाहूं, इफ इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, इफ इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स देन इट हैज द डायमेंशन एल एम पी पावर माइनस टू। इफ इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इसका डायमेंशन होगा एल एम पी पावर माइनस थ्री। ये तमाम टाइप्स ऑफ फोर्सेस नोट कर लीजिए। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल, फॉर प्रैक्टिस एंड फॉर एग्जाम, हम कुछ मजीद क्वांटिटीज के डायमेंशन बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। के बाद नेक्स्ट है, अब फॉर प्रैक्टिस मजीद, अब मुझे कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशन बनाने हैं, तो वो क्वांटिटीज के डायमेंशन बनाते हैं। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को शो किया जाता है पी से, फार्मूला है इसका एम वी, और इसका डायमेंशन बनेगा लीनियर मोमेंटम, इसमें एम शो कर रहा है मास को, और वी है इसकी वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी का डायमेंशन होगा एल टी पावर माइनस वन। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन बना एम एल टी पावर माइनस वन। इसे आप रीअरेंज करके लिखना चाहेंगे तो रीअरेंज करके इसे लिखा जा सकता है एल एम टी पावर माइनस वन। ये था लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन। लीनियर मोमेंटम के अलावा अगर किसी और क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वर्क का डायमेंशन लिखेंगे, वर्क को शो किया जाता है W से, वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ बी। तो अब वर्क का जो डायमेंशन होगा, F से मुराद फोर्स, फोर्स का डायमेंशन है एल एम टी पावर माइनस टू, और डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा एल, एंड फाइनली वी हैव वर्क का डायमेंशन बनता है एल इंटू एल, एल स्क्वायर एम टी पावर माइनस टू। वर्क का डायमेंशन होगा एल स्क्वायर एम टी पावर माइनस टू। देन द नेक्स्ट वन इज टॉर्क। टॉर्क इसका फार्मूला है एफ डी, फार्मूला साफ बता रहा है कि वर्क का भी सिमिलर फार्मूला है, डायमेंशंस के लिहाज से डायमेंशंस भी दोनों के हो जाएंगे सेम, एल एम टी पावर माइनस टू इंटू एल, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉर्क का डायमेंशन बनेगा एल स्क्वायर एम टी पावर माइनस टू। टॉर्क के अलावा अगर कोई और डायमेंशन बनाना चाहे, फॉर एग्जांपल हम प्रेशर का डायमेंशन बनाते हैं, प्रेशर का फार्मूला है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, इसको पढ़ना, इसको ट्रांसलेट करना भी सिखा चुका हूं, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मैंने डायमेंशन बनाना है, तो फोर्स का डायमेंशन है एल एम टी पावर माइनस टू, और नीचे एरिया का डायमेंशन है एल स्क्वायर। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, तो प्रेशर का डायमेंशन ये एल स्क्वायर, ये दोनों सेम है, तो ये ऊपर पावर वन है, नीचे पावर प्लस टू है,
ऊपर जाकर माइनस वन हो जाए, माइनस टू हो जाएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे एल पावर माइनस वन। कैसे आ रही है, वन पावर इसकी टू, यहाँ ऊपर आकर माइनस होगी, वन में से टू माइनस करेंगे, माइनस वन पावर एम टी पावर माइनस टू। तो प्रेशर का डायमेंशन बना एल इनवर्स एम टी पावर माइनस टू। After that, angular momentum. Angular momentum को show किया जाता है L से, इसका formula है L is equal to mvr, and अगर मैं इसका dimension बनाऊ, m stands for mass, mass का dimension है m, v, v stands for velocity, velocity का dimension होगा l, p power minus 1, and finally r radius है, radius का unit meter होता है, by nature ये length है, इसलिए इसका dimension होगा l, और finally अगर इसको solve कर लिया जाए, l और l दोनों multiply करेंगे, ये हो जाएगा l square m p power minus 1. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को शो किया जाता है एफ से, और इसका फार्मूला होता है वन अपॉन टी। अब ये टी, ये टी का जो सिंबल है वो टाइम पीरियड के लिए भी यूज हो सकता है, टेंशन फोर्स के लिए भी यूज हो सकता है। अगर ये टाइम पीरियड होगा तो मुझे इसका डायमेंशन टी यूज करना चाहिए, और अगर ये टेंशन है तो टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, फिर मुझे डायमेंशन एल एम टी पावर माइनस टू यूज करना था। बट चूंकि हम इसको पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो यहां जो टी है ये टाइम पीरियड को शो कर रहा है। अब अगर मैं इसका डायमेंशन बनाता हूं तो टाइम पीरियड का डायमेंशन टी ही आएगा, यही इसका डायमेंशन है। अरेंज करते हैं, टी ऊपर जाएगा, टी की पावर हो जाएगी माइनस वन, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बना टी पावर माइनस वन। फ्रीक्वेंसी के अलावा एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन है एनर्जी। अब एनर्जी, एनर्जी की तो बहुत सारी टाइप्स हैं, पढ़ चुके आप लोग, लेक्चर में पढ़ा चुका हूं शुरू के लेक्चर में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। अब अगर उसकी टाइप्स में जाएंगे तो वो बहुत सारी। बुनियादी बात जो हम डायमेंशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जितनी क्वांटिटीज की नेचर सेम होती है, जितनी भी उसकी टाइप्स होती हैं, उन सब का यूनिट सेम रहेगा, उन सब का डायमेंशन सेम। तो हम एनर्जी की किसी भी एक फॉर्म का डायमेंशन बना लेंगे और वही डायमेंशन पूरा वैलिड होगा। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान रहता है जब मुझे पोटेंशियल एनर्जी, जब एनर्जी का डायमेंशन बनाना है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी। फिर एक बात आप लोगों को और पढ़ाई थी, याद कीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी तीन तरह की है। पहली होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको तीन टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी, पहली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तीसरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप किसी से भी फार्मूला बना सकते हैं, बट आपके लिए सुटेबल ये रहेगा, आसान ये रहेगा कि आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से फार्मूला बनाइए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में m स्टैंड फॉर मास, मास का डायमेंशन होगा m, उसके बाद आता है g, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा एल टी पावर माइनस टू, क्योंकि ये टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है। देन आता है h, h स्टैंड फॉर हाइट, हाइट का डायमेंशन होगा l। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशन बना वो बना एल स्क्वायर एम टी पावर माइनस टू, और इस जैसे चाहे जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, आप काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिखेंगे तो भी वो बनेगा एल स्क्वायर एम टी पावर माइनस टू।
अगर आप मैकेनिकल एनर्जी का या किसी भी दूसरी एनर्जी का डायमेंशन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल को ये पूछ ले हीट एनर्जी का डायमेंशन बताइए, तो हीट एनर्जी का डायमेंशन होगा एल स्क्वायर एम टी पावर माइनस टू। एनर्जी कोई भी हो, अगर वो एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन यूज करेंगे एल स्क्वायर एम टी पावर माइनस टू। आज की क्लास के लिए मैं आखिरी डायमेंशन बताता हूं, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ चुका है और शायद मेरी नजर में कहीं गुजरा था, किसी एंट्री टेस्ट में भी पूछ लिया था। बहुत ज्यादा सिंपल, इंतहाई आसान, इंटेंसिटी। अब बाकी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बस वो स्टूडेंट्स जिन्होंने शुरू वाले लेक्चर्स लिए हैं तमाम अगर गौर से पढ़े हो, याद हो, तो इंटेंसिटी का डायमेंशन बनाने से पहले इंटेंसिटी का फार्मूला और डेफिनेशन बता चुका हूं। इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या थी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब अगर मैं इसका डायमेंशन बनाऊं तो डायमेंशन में पहली चीज क्या आ रही है, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन अभी आपके सामने किया कि कोई भी एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन होगा एल स्क्वायर एम टी पावर माइनस टू। अपॉन में आ जाइए, ए स्टैंड फॉर एरिया, एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर, और यहां पर तीसरी क्वांटिटी है टाइम, टाइम का डायमेंशन होता है टी। तो सिमिलर क्या बना, एल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इंटेंसिटी का डायमेंशन बनेगा एम टी पावर माइनस टू, पावर ऊपर है ये प्लस वन, पावर जब ऊपर जाएगी ये भी माइनस वन हो जाएगी, तो माइनस टू और माइनस वन ओवरऑल पावर बन गई माइनस थ्री। तो इंटेंसिटी का डायमेंशन बना एम टी पावर माइनस थ्री, और यू कैन राइट द डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी इज, अगर मैं तीनों डायमेंशन लिखूं एल एम टी, इसमें एल मौजूद नहीं है तो एल पावर जीरो, एम और टी पावर माइनस थ्री। यू कैन राइट द डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी लाइक दिस। तो ये कुछ डायमेंशन से, फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, पहले जरा इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद के जो डायमेंशंस हैं प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस करनी है, इन केस अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप लोग हेल्प ले सकते हैं, आपको सॉल्यूशन जो पैटर्न बताया गया है टीचर से कांटेक्ट हेल्प लेने का, आप उस मेथड को फॉलो कीजिएगा। कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं डायमेंशंस आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इनको आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। उनमें से एक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको मिक्सअप मत कीजिएगा, मैंने जो बताया था वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और जो आप लोगों को बनाना है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अलावा स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के अलावा पावर, पावर के अलावा आप डायमेंशन बनाएंगे पावर ऑफ लेंथ, और पावर ऑफ लेंथ के अलावा एक और क्वांटिटी आपके लिए छोड़ रहा हूं, स्ट्रेस। तो आपने इन तमाम क्वांटिटीज के डायमेंशंस बनाने हैं फॉर प्रैक्टिस, इन केस अगर आप इसको नहीं बना पा रहे, आपको कोई कंफ्यूजन है या आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो चेक करवाना है, तो आपको जो ग्रुप के ऊपर जिसके तरीके से आपको लिंक दिए जा रहे हैं आपने उस ग्रुप में अपने आंसर शेयर करने हैं, और अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम शेयर करेंगे, आपको तमाम क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही है, दुआ कीजिएगा कि हमारे हालात लॉकडाउन ये सारी चीजें बेहतर हो जाएं, तो इंशाल्लाह फिर हम अपनी रियल फिजिकल क्लासेस को दोबारा स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।